आज हम बाकायदा हलका 56 और 57 की इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, और 56 की इंतखाबी मुहिम जो है वो मैं चलाऊंगा, और 57 की इंतखाबी मुहिम जो है वो राशिद शफीक चलाएंगे। हमारी किसी से लड़ाई, किसी से उलझाव नहीं है, हम नस्ली हैं, असली हैं। लाल हवेली पर बहुत दफ़ा कब्जा करने की कोशिश की, सो इसलिए आज हम लाल हवेली से ही अपनी इंतखाबी मुहिम की इब्तदा कर रहे हैं, और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि कलम दवात 8 फरवरी को 55 और 56 से अक्सरियत से जीतेगी। हमारे खिलाफ हमारे अपने दोस्तों ने भी कागज़ जमा कराए हैं, कोई बात नहीं। हमारे मुखालिफ तो जमा कराते थे, अब और मज़ा आ रहा है कि अपनों ने भी, जिनकी खातिर हमने 40-40 दिन चिल्ला काटा, जिनके लिए हमने उफ नहीं की, जिनके खिलाफ हमने बात सुननी गवारा नहीं की, जिनकी फैमिली के खिलाफ हमने लफ्ज़ तक नहीं सुना, जिनके खिलाफ हमने 164 का बयान नहीं रिकॉर्ड कराया, जिनके खिलाफ 4-4 दफ़ा हमें उठा कर ले गए, हमने 190 का बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, उन्होंने भी हमारे खिलाफ़ उम्मीदवार खड़ा किया है, हम उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। और हमारे ऊपर 19 पर्चे हुए हैं 15 तारीख को, उसकी तारीख है, और राशिद शफीक के मिला के 22 पर्चे हो जाते हैं। सो पाकिस्तान में इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स पर ज़्यादतियाँ हुई, उसका घर तोड़ा गया, राशिद शफीक की वालदा का इंतकाल हो गया, जनाजा नहीं पढ़ना जिस मुश्किल तरीके से दिया गया, जिस तरीके से हमें मफरूर रखा गया, और जिस तरह हमारे साथ जो सलूक किया गया, सब अल्लाह पे छोड़ते हैं, और दिल के अंदर एक रोशनी है कि 56 और 57 दिल के अंदर एक रोशनी है, किसी के साथ लड़ाई नहीं, सब के साथ सुलह है। जिन अपनों ने भी मेरे खिलाफ़ कागज़ जमा करा दिए हैं, उनको भी हम खुश आमदेद कह देते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, दोस्तों से लड़ा नहीं जाता। सो 56 और 57 में कलम दवात 8 फरवरी को जीतने जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये कैंपेन मैं इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी में पैदल शुरू करूंगा, गलियों मोहल्लों में, और राशिद शफीक हल्का 57 में शुरू करेंगे, मैं 56 में शुरू करूंगा। आज इसकी इब्तदा करने लगा हूं, हम सब्ज़ी मंडी जाएंगे, वहां से, हाँ जी, वहां से हमेशा जो तरीका रहा है कि हम हमेशा यहां से चौक में जाते हैं, 16-17 साल से 16 दफ़ा वजीर रहा हूं, यहां से चौक में जाएंगे, चौक से सब्ज़ी मंडी जाएंगे, सब्ज़ी मंडी से हम चाइना मार्केट में ये 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। कल से मैं आपको गलियों मोहल्लों में नज़र आऊँगा खुद ब खुद। आप क्या समझते हैं कि आपका मध्य मुकाबिल भी एक थोड़ा टफ टाइम देगा, PTI का वोट भी नहीं होगा, खाली कलम दवा से आप ये सीट जीत पाएंगे? देखिए, मुझे तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि लोग बाखबर हैं, अगर तो मैं नस्ली हूँ, असली हूँ, गैरतमंद हूँ, खुददार हूँ, और मेरे खून में रावलपिंडी की सोच शामिल है, और मैं ना बिका ना बका, ना मैं 40 दिन के अंदर बिका, ना मैं इमरान खान के खिलाफ बका, खड़ा रहा, डटा रहा, 23 दिन इलादा डटा रहा। जो आदमी असूल पे वोट देना चाहता है वो 8 फरवरी को इंशाल्लाह कलम दवात को वोट देगा।